कहता है कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट हाइट 5 आर एबव द अर्थ सरफेस। ध्यान देना, ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वो सेटेलाइट होता है जिस जो अर्थ का अर्थ के टाइम पीरियड के रिवोल्यूशन के इक्वल होता है, मतलब उसका ओमेगा जीरो होता है। अगर अर्थ से देखोगे तो स्टेशनरी दिखाई देगा, अर्थ से देखोगे ऑब्जर्वर देखेगा तो स्टेशनरी दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे सेटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट बोलते हैं। अब ये कहता है कि एक हम लोग का जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है जिसका सेंटर वो है, अब ये जियो ऑर्बिट अराउंड हाइट 5 आर एबव द अर्थ सरफेस, ये 5 आर पे है अर्थ के सरफेस पे, और ये अर्थ की सरफेस रेडियस आर है। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ एनदर सेटेलाइट जो कि रेडियस 2 आर पे है, इसके पास में दूसरा सेटेलाइट है जो 2 आर पर है हाइट पे, उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो चलो, तो टाइम पीरियड का अपना फार्मूला हम रटा रटा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू आर का क्यू, याद है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आर की पावर 3/2, ठीक है। तो अब मैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के लिए लगाऊं, तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को मैं दूसरे वाले मैं पहला सेटेलाइट में जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लेता हूँ TM, और ये दूसरा सेटेलाइट है T2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R2, इसका R2 मतलब इसका R की वैल्यू आ जाएगी 2R + R 3R, ठीक है, और ये आ जाएगा 5R 6R, ठीक है, का 3/2, ठीक है। तो यार ने आर को कर लिया मतलब 1/2 की पावर 3/2। हमें दूसरे वाले सेटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना, पहला जियो स्टेशनरी था, तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का टाइम पीरियड जो होता है वो 24 आवर होता है, 24 आवर होता है अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल 24 आवर, ठीक है। तो ये बेसिकली अब हमें टाइम आ जाएगा, टाइम निकालने T2, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 की पावर 3/2 को 2√2 लिख सकते हो, और ये 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6, और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, ठीक है। तो √2 12 आ जाएगा ना, 12/2 मतलब 6√2, ठीक है। तो यह आ जाएगा 6√2, तो 6√2 मतलब ये हम लोग का सी ऑप्शन सही है ना। चलो